कल जो माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान की रैली पे पुलिस ने जो जारहाना अंदाज में जो तशद्दद किया, बेहमाना तशद्दद किया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मसीही तरीके बेदारी की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की मसीही सियासी समाजी और मजहबी क़यादत की तरफ से भी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि अगर आईजी साहब इस्लामाबाद, वजीर दाखला साहब से भी और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि इन जिन लोगों ने भी ये दहशतगर्दी की या तशद्दद किया हमारी कौम के निहत्ते लोगों पे और पुरअमन रैली में जो इन्होंने तशद्दद किया हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पूरी मसीही कौम पाकिस्तान की और ओवरसीज पाकिस्तानी भी, हम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान मिनॉरिटी एड लतीफ भट्टी साहब की तरफ से भी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तरफ से भी मजम्मत करते हैं। हम अकमल भट्टी के साथ हैं क्योंकि ये अकमल भट्टी पे जो तशद्दद नहीं हुआ, ये चेयरमैन मैं पे तशद्दद नहीं हुआ, ये पूरी मसीही कौम के जज्बे में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, सॉलिडैरिटी करेंगे कि आइंदा जो मसीही जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। आईजी पंजाब से फिल फोर मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को जिन्होंने ये तशद्दद किया इनको फिल फोर सस्पेंड किया जाए और ताकि मसीह कौम के जो जज्बात मजरूह हुए हैं उनका तदारक किया जा सके। तो मैं फिर अपनी तरफ से, अपनी पूरी मसीह कौम की तरफ से और बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से इस बात की भरपूर मजम्मत करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे साथ ऐसा दोरा मियार और जुल्म। कब तक कि हम अपने हकूक की बात भी नहीं कर सकते? अकमल भट्टी अपने लिए नहीं निकला, वो अपनी कौम के इश्यूज के लिए बात करता है। तो मेरी गुजारिश है इंतजामिया से भी कि हमारे जो ये हकूक पे डाका डाला गया इसका भी तदारक किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।